नवजात बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद लगभग 20 दिन तक बच्चे में कई तरह के बदलाव तेजी से होते हैं, जिन्हें देखकर पहली बार माता पिता बने लोग परेशान हो जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर पहुँचते हैं। कुछ बच्चे अचानक तेजी से अपने हाथ और पैर हिलाने लगते हैं या चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं, तो ऐसा देखकर भी पेरेंट्स परेशान रहते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर नवजात शिशु अचानक हिलने क्यों लगते हैं। डॉक्टर्स की माने तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि नवजात बच्चे अचानक से अपने हाथ पैर तेजी से हिलाने लगते हैं। बच्चों में होने वाली इस प्रक्रिया को जिटरीनेस कहते हैं, जो कि बाहरी आवाजों, हवा और अचानक हुए बदलावों के कारण होती है। बच्चों में ऐसी हरकतें होना बिल्कुल सामान्य है और इसके लिए किसी भी तरह के इलाज की जरूरत नहीं होती। बच्चों में अचानक हिलने वाली जिटरीनेस की परेशानी को कम करने के लिए आप बच्चों को अच्छे से मुलायम कपड़ों में कवर जरूर करें, ताकि उसे सीधे हवा ना लगे। बच्चे के कमरे में आवाज़ कम कर दें। कोशिश करें कि जब बच्चा सो रहा हो तो बिल्कुल भी आवाज़ ना करें। अचानक आवाज़ सुनने से बच्चा घबरा जाता है और रोने लगता है। बच्चा जिस कमरे में हो उसकी खिड़कियां और दरवाज़ों को ध्यान से खोलें और बंद करें। दरवाज़ा तेज़ बंद करने की आवाज़ से भी बच्चे को जिटरीनेस की परेशानी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि जिन बच्चों का वज़न ज़्यादा कम होता है उनमें ही ये परेशानी देखने को मिलती है। जो बच्चे समय से पहले यानी 9 महीने से पहले जन्म लेते हैं उनमें जिटरीनेस की परेशानी ज़्यादा होती है। अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक होती है तो उन बच्चों में भी ये परेशानी देखने को मिलती है। ध्यान रहे कि अगर आपके बच्चे को जिटरीनेस की परेशानी ज़्यादा है तो डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण भी बच्चों में जिटरीनेस की परेशानी होती है, जिसका डॉक्टर की सलाह पर उचित इलाज कराना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।